जब बात घर की सुरक्षा की आती है तो उसके लिए हम सबसे पहले मजबूत ताले की बात करते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही एक नायाब ताले के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चाबियों से खुलता है। ताले की बात चलते ही अक्सर लोगों के दिमाग में देश के अलीगढ़ शहर की बात आती है, लेकिन आज हम आपको जिस ताले को दिखाने जा रहे हैं वह ग्वालियर में लगे गांधी शिल्प बाज़ार में खुजराव से आए एक व्यवसायी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस ताले के बारे में। हम पीतल की मूर्तियाँ लेकर आए, पीतल पंच धातु से हैं ये। हमारे साथ एक भैया भी है, वो अभी थोड़ी बाहर है, राम जी सोनी, अनिल सोनी। अच्छा। सीक्रेट लॉक है, तीन चाबी से चार बार में खुलता है। ये देखिए, ये जो चाबी है, पहले एक चाबी यहाँ पे लगेगी ऐसे, तो ये नट ओपन हो जाएगा और फिर ये इसके अंदर लगेगी, ये तो यहाँ से खुल जाएगा पूरा। और फिर इसमें एक चाबी यहाँ पे लगेगी साइड में, दो चाबी इसमें एक साथ लगती हैं। राजा महाराजाओं का ताला है, एक चाबी यहाँ पे लगेगी, ये खुलिए। मेले के हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी ने बताया कि मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें खाने पीने की वस्तुएं व हस्तशिल्प की कारीगरी से ओतप्रोत वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि लोगों को खासी पसंद भी आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मेले में 12 से अधिक प्रदेशों से कलाकार अपनी कलाकृतियाँ लेकर आए हैं जो कि लोगों को लुभाने का काम कर रही हैं। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांधी शिल्प बाजार का आयोजन फूलबाग मैदान ग्वालियर में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शिल्पकारों को एक मार्केट का प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। जो आए हुए शिल्पकार हैं इन सभी को सारे स्टॉल निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, साथ ही साथ इनके इनके टीए और डीए और जो इनका भाड़ा है लगेज का चार्ज भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे सरकार द्वारा 100 स्टॉल का आयोजन करने की व्यवस्था की जाती है, जिसमें आज दिनांक तक पूरे 100 के 100 स्टॉलों का आवंटन किया जा चुका है, एवं कुछ दुकानों को जो शिल्पकार आए हुए हैं जिनको स्टॉल का नहीं मिले हैं उनको ओपन में बैठाने की व्यवस्था की गई है। अगर आपको भी हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं पसंद हैं और एंटिक चीज़ों के आप दीवाने हैं तो यह मेला आपके लिए बेहद खास हो सकता है। विजय राठौर, न्यूज़ 18, ग्वालियर।